वर्ष 31 दिसंबर 1600 में आज ही भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश व्यापारी राल्फ फिश ने पहले ही व्यापार की संभावनाओं का आकलन कर लिया था। 1617 में कंपनी को ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से उपनिवेश बनाने की अनुमति मिली थी।